अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दुनिया को पीतल व खुद को डॉल में सोने दी बताने वाली प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर देखते ही देखते नफरत की गुड़िया व कोरोना वायरस बांटने वाली पुड़िया बन गई। लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके साथ ही इस प्रकरण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महत्वपूर्ण व गंभीर सवाल यह भी है कि एयरपोर्ट पर बिना जांच पड़ताल किए वह बाहर कैसे आ गए। यदि यह सच है तो यह सवाल उठना लाजमी है कि जब एक खूबसूरत अदाकारा व प्लेबैक सिंगर एयरपोर्ट की चौकसी को धता बताते हुए बाहर आ सकती है तो फिर कोरोना तो कोरोना ही ठहरा। यह भी साफ हो गया कि प्रधानमंत्री भले ही लोगों से जनता कर्फ्यू जैसे एहतियातन कदम उठाने का आग्रह कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता खुलेआम पार्टी करते घूम रहे हैं। इस बीच यह खबर जरूर राहत देने वाली है कि कनिका के इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से 45 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बता दें कि कनिका जिस पार्टी में शामिल हुई थी उसमें 100 से ज्यादा सेलिब्रिटीज मौजूद थे। इनमें राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उनके पुत्र व सांसद दुष्यंत सिंह, कांग्रेस के जितिन प्रसाद, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह शामिल थे। लोकायुक्त संजय मिश्रा के यहाँ भी पार्टी हुई थी। बताया जा रहा है कि ऐसी ही किसी पार्टी में शिरकत कर प्रोग्राम देने पर बतौर मेहनताना 15 लाख रुपए कनिका कपूर लेती हैं। यहाँ यह भी सवाल है कि इस मेहनताने का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, और अगर हुआ है तो वह किसने किया, और जिसने भी किया उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री की तमाम अपील के बाद भी लोगों ने तमाम आशंका को देखते हुए घरों में राशन का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किराना स्टोर में इजी डे जैसे स्टोरों पर लोग टूट कर पड़ रहे हैं। संचालकों का कहना है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति कम है, लिहाजा स्टोर खाली नजर आ रहे हैं। यूं तो प्रधानमंत्री ने रविवार को जनता कर्फ्यू को घोषित किया है, लेकिन इससे पहले ही सड़कों पर आवाजाही बेहद कम हो गई है। जरूरत पर ही लोग सड़क से बाहर निकल रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के 50 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार शाम को कुल मामलों की संख्या 250 पहुंच गई थी। शनिवार सुबह तक यह आंकड़ा बढ़कर 285 हो गया था, जबकि संक्रमितों के संपर्क में आने पर 6,700 से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वायरस की चपेट में आए लोगों में 32 विदेशी हैं। इनमें 17 इतालवी, 3 फिलीपीन, 2 ब्रिटेन, 1 कनाडा, इंडोनेशिया, सिंगापुर का निवासी है। इनमें अब तक दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में हुई 4 मौतें भी शामिल हैं। वर्तमान में प्रभावित लोगों का आंकड़ा 292 तक पहुंच गया है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 23 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। प्रदेश में 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और 20.37 लाख निर्माण श्रमिकों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये प्रत्येक को दिया जाएगा। इसी क्रम में रेहड़ी वालों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि मजदूरों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भरण पोषण के भत्ते को अपनी मंजूरी दी है। कमेटी ने जो संस्तुति की थी उसके अनुसार मंजूरी दी है, और सरकार ने जो अपनी सहमति दी है इसमें प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है। जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है। इन सभी लोगों को भी 1,000 रुपये की राशि भरण पोषण की दिशा से तत्काल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्वीकृत कर रही है। इसको भी हम डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन धारक 46,97,000 हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण पेंशन योजना के लाभार्थी 10,76,000 हैं, और निराश्रित विधवा के भरण पोषण
कि जो पेंशन धारक हैं वे 26,10,000 हैं, यानी कुल 83,83,000 ये संख्या पड़ती है। इन सबको भी ये व्यवस्था की गई है कि इनके पेंशन अप्रैल मई की जो पेंशन होगी वह एकमुश्त इन्हें अप्रैल में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। मनरेगा के जिन मजदूरों को अभी तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाई है उन्हें तत्काल इस मजदूरी को इसी मार्च के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अंत्योदय मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर कुल मिलाकर के 1,65,31,000 ये संख्या पड़ती है। 1,65,31,000 जो ये संख्या है, इन इतने परिवारों को एक महीने का खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के भी निर्देश तत्काल दिए जा रहे हैं। जनता कर्फ्यू को ही लेकर मेरठ रेंज में भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पैनिक की जरूरत नहीं है, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं होने दी जाएगी, यह बात पुलिस प्रशासन द्वारा कही जा रही है। आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं प्रवीण कुमार। देखिए, ये समय एकदम पहली चीज़ तो एकदम पैनिक होने का नहीं है। इसको लेकर के हमारी सभी मार्केट में और सारी चीज़ों पे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल सप्लाई है, वो सारी चीज़ें हमेशा पूरी रहें, किसी तरह की कोई कालाबाजारी ना हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार सतर्क हैं। जो आवश्यक प्रोटोकॉल है, WHO के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनको हम लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। विशेष आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए हमारी पुलिस में और ख़ासतौर से SDRF की एक स्पेशल यूनिट भी यहाँ पर मेरठ में है जो हमारे डिस्पोजल पर, वो सारे लोग इस पे लगातार अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने को दक्ष कर रहे हैं किसी आकस्मिकता की स्थिति के लिए। परंतु किसी पैनिक की इसमें आवश्यकता कहीं पर नहीं है। सभी लोग जो एक स्थापित नॉर्म्स हैं, जो एक उद्देश्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, कम से कम लोग आपस में इंटरेक्ट करें, और जो भी आवश्यक हम लोगों ने अपनी तरफ से भी निर्देश दिए हैं, किसी को कोई शिकायत है, कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, तो यथासंभव ऑनलाइन हम लोगों से अपनी शिकायत भी कर सकता है। UP 112 का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं और हम लोग लगातार अपनी तरह से सतर्क हैं, विजिल हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ, जिला प्रशासन के साथ सभी लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सर, कल के लिए जनता के लिए क्या मैसेज है? कल के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है, जो उनका सुझाव है और जो हमारे पूरे सरकार की मंशा है, सभी लोगों का बेसिकली एक ही चीज़ है कि कैसे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम लोग कल इसे एक पूरी आस्था के साथ, एक पूरे विश्वास के साथ, एक सोशल सॉलिडारिटी का एक परिचय दें और हम लोग उसको पूरी तरीके से। कल के लिए कोई स्पेशल ड्यूटीज डिप्यूट की गई है? हम लोग अपनी तरफ से जो हमारी पूरी तरह से विजिलेंस और सतर्कता की स्थिति है वो हम लोग लगातार रखेंगे। जो एक अलर्टनेस की निर्देश है और जो भी उसमें यथासंभव आवश्यकता हमारी रहेगी, पुलिस का आशय ये नहीं कि पुलिस की प्रेजेंस समाप्त हो जाएगी। हर तरह से हम लोग अपनी जो हमारी एक बेसिक ड्यूटी है, जहाँ जहाँ पर एक आवश्यकता होगी, इमरजेंसी होगी, सभी जगह पर हम लोग मुस्तैद और अलर्ट रहेंगे।